Hello friends, in this video we are going to discuss about the how to represent a sinusoidal AC quantity in terms of voltage and current through a phasor. So let us consider purely inductive circuit L only. So in this case, this is our circuit diagram. In this circuit, voltage source, or you can say battery, is directly connected to inductance, which is L, and current flowing in this inductance is capital I. So in this circuit, current I is obtained by the procedure described here. So relationship between voltage, current and inductance is V equal to L di upon dt. So we have to cross multiply, then we have to get standard equation of the inductance is, or you can say in the terms of inductance is, root 2 V sin omega t. यहाँ पे क्या हुआ, V इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, वी एम अपॉन रूट टू, बट यहाँ पे V इक्वल टू क्या हुआ, वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि वी हैव कंसिडर साइनोसोइडल वेव फॉर्म, सो V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू रूट टू वी साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने यहाँ पे, तो डी आई इक्वल टू क्या आ गया, रूट टू वी अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, जब मेरे को यहाँ से डी आई निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डी टी वी के पास चल जाएगा एंड एल डिवाइड हो जाएगा, और वी की वैल्यू अपन को पता है, वी आर एम एस क्या होता है, वी एम अपॉन रूट टू. तो यहाँ से मैं वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ. देन इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई, ये मेरे पास कॉन्स्टेंट है रूट टू वी अपॉन एल, ये बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, कॉस ओमेगा टी का, फिर यहाँ पे हो गया अपना क्लियर. तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो गया, और ओमेगा टी का ओमेगा आ गया यहाँ पे. यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म था वो सेम है, अब कॉस ओमेगा टी यहाँ पे माइनस है, क्योंकि साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी होता है इंटीग्रेशन, याद रखिए. तो यहाँ पे जो कॉस को है साइन में कन्वर्ट करा है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बट यहाँ पे माइनस है, इस माइनस साइन को हटाने के लिए मैंने इंटरचेंज कर लिया कॉस ओमेगा टी माइनस 90. तो यहाँ पे दिख रहा है माइनस 90 डिग्री का लैग हो रहा है करंट, करंट क्या हो रहा है, लैग हो रहा है इंडक्टिव के केस में, क्योंकि जो एक इक्वेशन है वो करंट इक्वल टू आ रहा है और एंगल आ रहा है माइनस 90, मींस करंट 90 डिग्री से लैग हो रहा है और वोल्टेज लीड हो रहा है. तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90, क्लियर. तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, आई एम इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, रूट टू आई, क्योंकि अपन जानते हैं आर एम एस इक्वल टू आई एम अपॉन रूट टू, वी आर एम एस कहेंगे तो वी एम अपॉन रूट टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आ गई, क्लियर. तो ये अपना फेजर डायग्राम है, यहाँ पे जो फेजर डायग्राम दिख रहा है इसमें करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री से, क्लियर. तो ये यहाँ पे कैसे लैग कर रहा है 90 डिग्री से, अपन इस डेरिवेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है. सो अपन यहाँ से जो लिखा है यहाँ पे आई ऊपर बार, ये क्या है, आई आर एम एस, तो यहाँ पे क्या हो गया, V बार अपॉन ओमेगा L, क्योंकि ओमेगा L क्या होता है, XL, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस की बात है तो XL होगा, तो 90 डिग्री से लैग कर रहा है, तो क्या हो गया, I एंगल के अंदर माइनस 90, क्योंकि एंगल जो करंट है माइनस 90 से लैग कर रहा है. यहाँ पे अपन फेजर डायग्राम में देख भी सकते हैं, और अपन ने ये भी प्रूफ करा इसे प्रीवियस में. सो यहाँ पे एंगल आ गया माइनस 90, और वोल्टेज जो कि एंगल है, वोल्टेज यहाँ पे एंगल है जो वोल्टेज का, उसका जो वी का वोल्टेज का एंगल है वो क्या है, जीरो डिग्री, और करंट का क्या है, माइनस 90 डिग्री. तो यहाँ पे जीरो डिग्री आ गया, वी एंगल जीरो डिग्री, आई एंगल माइनस 90 डिग्री. जब इसको कन्वर्ट करा मैंने पोलर फॉर्म में, या फिर अपन रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली इसको, तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं. अब इम्पिडेंस निकालना है, जेड इक्वल टू वी अपॉन आई, जेड के साथ जो एंगल है वो जीरो, आई के साथ जो एंगल है वो 90. जब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया तो एंगल जीरो हट गया, एंगल 90, एंगल 90 को क्या लिखते हैं, माइनस जे, क्योंकि एंगल 90 कहाँ पे आता है, माइनस वाई पे, और माइनस वाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, माइनस जे से, इमेजिनरी एक्सिस कह सकते हैं अपन. तो यहाँ पे मेरे पास एंगल आ गया ओमेगा एल एंगल 90 डिग्री, ओमेगा एल क्या है मेरा यहाँ पे, एक्सएल, इंडक्टिव केस में ओमेगा एल इक्वल टू एक्सएल, ओमेगा मीन्स 2πf, क्लियर. सो यहाँ पे अपन नोट कर सकते हैं करंट लैग्स द वोल्टेज बाई प्लस 90 डिग्री, या ये कह सकते हैं वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से, या ये कह सकते हैं करंट लैग है, यहाँ पे लैगिंग पॉइंट है करंट का एंगल 90 डिग्री से. तो ये अपना सिंपल डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, और फेजर डायग्राम इसका इस तरीके से बनेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो.